रुक जाइए, मलिक सलाउद्दीन का हुक्म है, आप अंदर नहीं जा सकते। ताज तख्त मेरा है, जान लो। जान से मार दिए जाएं ये शरीर। आज और इसी वक्त से ये तख्त और ताज सब कुछ मेरा है, और वो जिसने जुर्रत की इनकार करने की, जान से मार दिए जाएंगे वो सब, चाहे सलाहुद्दीन क्यों ना हो। जिंदान पे डाल दिया जाए इन्हें। तुम्हें बताया तो है, मैं नहीं जानता किसने फरार में मदद की हमारी। जानता हूं ये झूठ है, तू मुझे बताएगा या जान से मार दूं तुझे। गैब्रियल, हमारे साथ आ जाए उस्ताद, आ जाए, हमें फौरन निकलना है। मेरा भतीजा, तुरंत शाह अमीर, वो फरार हो रहे हैं। यही रुके, तुरंत शाह मेरा भतीजा, मेरा बेटा, जल्दी से आंखें खोलो मेरे बेटे, शहंशाह की तरह हमें छोड़कर मत जाना मेरे बेटे, आंखें खोलो मेरे प्यारे भतीजे, जल्दी आओ, मेरी मदद करो, इसे फौरन तबीब के पास ले जाना है, उठाइए।
विक्टोरिया कहाँ चली गई? वो दूसरी तरफ भागी थी। मुझे सलाहुद्दीन से पहले उसे ढूंढना होगा। तुम मुझसे भाग कर नहीं जा सकते गैब्रियल। हमें यहां से निकलना होगा बादशाह उस्ताद। क्या चाहती हो बोलो। शहजादी विक्टोरिया, तुम्हारे पास आते देखा था मैंने इसको। मेरे हाथ से नहीं बच सकते गैब्रियल। विक्टोरिया को लेकर यहां से निकल जाओ बेटा, हम इनको संभाल लेंगे। ये नहीं हो सकता। मैंने कहा तुम जाओ, ये मेरा हुक्म है, जाओ आप। Thank you.
भागने का कोई रास्ता नहीं बचा गैब्रियल। इसी वक्त का तो इंतजार था मुझे कि तुमसे अपना हिसाब बराबर कर लूं सलाहुद्दीन। तुम्हें मारने नहीं आया मैं, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत से मिलाने आया हूं तुम्हें। मुझे अस्कलान चाहिए और तुम्हारा साथ देने वाले उस गद्दार का नाम भी चाहिए। तुम तो अपने दुश्मन को जानते ही नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा किसी कीमत पर भी, मगर जो चाहिए लूंगा, तुम्हारी जिंदगी समेत। अपनी जान देने पर तुले हो, लेकिन जब तक अस्कलान और गद्दार का नाम नहीं लेते नहीं मरोगे। गौर से देखो मेरी आंखों में, इन आंखों में बाप का इंतकाम है और एक औरत की मोहब्बत है इन आंखों में। गौर से देख लो मरने से पहले। Gabriel, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा सलाउद्दीन, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। Gabriel ने अपने गुनाहों की पादाश में जान दी है, अब विक्टोरिया की बारी है और फिर तुम वही करोगे जो हम तुमसे कहेंगे। विक्टोरिया अस्कलान की तरफ गई है अमीर, सरहद गाजी उसके पीछे गए, उम्मीद है वो जल्दी पकड़ी जाएगी। इसको मरकज में ले जाके बंद कर दो। Gabriel दरिया में गिर गया था, उसे ढूंढे। मुझे Gabriel की लाश चाहिए हर हाल में। जो हुक्म अमीर। अपना सगा भाई गद्दार समझ रहे हैं आप? आप मुझ पर ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि तुमने रियासत के लोगों को एक दूसरे से लड़ाया और महल पर कब्जे की साजिश की। तुमने ताजो तख्त दोस्त से अपनाने की कोशिश की। क्या ये सगे भाई का चलन है?
तुम तो पूरे बेईमान निकले। मैंने इस रियासत को बचाने की कोशिश की थी, सलाहुद्दीन का आता पता न था और आप तो बिस्तर मर्ग पर थे। क्या मैं रियासत को बेयारो मददगार छोड़ देता? रियासत बेयारो मददगार नहीं थी। सलाहुद्दीन जो कुछ कर रहा था वो ठीक था, लेकिन तुम तो काबू ही न रख सके अपनी नीयत पर। तुमने तो मेरे खून मेरे बेटे को जिंदान में कैद कर दिया। इसलिए कि हालात काबू में रहे। खानदान के तो किसी फर्द को संभालनी थी ये रियासत, बजाय रियासत का खैरखा कहने के मुजरिम बना रहे मुझे। आपका बेटा पहले ही सरकश है, क्या आप चाहते हैं कि वो हमारे लिए और मुश्किलात खड़ी कर दे? जिंदान में कैद करने के सिवा कोई चारा न था। आपको मौत के मुंह में धकेलने की जिम्मेदारी पूरी उसी पर आयद होती है। इसके बावजूद उसकी हिमायत कर रहे हैं, क्यों? मुझ पर हमला हम में ही गद्दार ने किया, और वो गद्दार मुझे इसी तरह देख रहा था, कीना परवर हवसनाक नजरों से। वो तुम थे जिसने मुझे खंजर मारा नसरुद्दीन। मुझे तो सलाहुद्दीन तक रोक ना पाया, क्या तुम समझती हो रोक लोगी मुझे? किसी को कोई गजन न पहुंचाना। यलगार फरार हो रही है, वो निकलने ना पाए। मेरे सर जैसा चाहे इल्जाम धर दें, लेकिन मैं वो गद्दार नहीं हूं। ये क्या खबत है कि मुझ पर मेरे अपने सगे भाई पर हमला करने का इल्जाम लगाया जा रहा है? मखबूतुल हवासी नहीं है ये मेरी, ये तुम्हारी गफलत है, गद्दारी है तुम्हारी। तुमने मेरी पुश्त में इस तरह छुरा घोंपा है कि तुमसे अब किसी भी बुराई की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि मैंने कितनी बार मौत के मुंह से निकाला तुम्हें, इस सीने पे हजार निशाना थे जख्मों के, कितनी तलवारें और तीर इस सीने की ढाल पर रोके मैंने जो तुम्हारे लिए थे। मगर आपके अल्फाज थे, जो जख्म दिया है वो बहुत गहरा है। इस इल्जाम से तो बेहतर था कि आप मुझे मौत के घाट उतार देते। हाँ, वो वक्त यकीन ना पहुंचा। नसरुद्दीन, इमाद, जी मेरे सुल्तान, फौरन ले जाओ इसे यहां से, और इसके साथ इसके हामियों को भी दरबार में हाजिर किया जाए। इन सब का हिसाब किया जाएगा।
डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमला हो गया हम पर। हम पर शहजादी विक्टोरिया की वजह से हमला हुआ, वो लोग उसके पीछे हैं। कौन लोग? मालूम नहीं, एक लड़की क़यादत कर रही थी। सुरैया, अगर आप उस लड़की को जानते हैं तो इसी वक्त उनके पीछे निकल जाइए, कहीं सलीबी उन तक पहले ना जा पहुंचे। जल्दी करो, चलो। खुदा का शुक्र है तुम हमें बरवक्त मिल गए। दुरानशाह, क्या हो गया है तुम्हें? ये किस परेशानी में उलझा लिया है खुद को? बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, ठंडे दिमाग से हर एक मामला सुलझ जाता है, ये तुम्हारे लिए सबक है। आज से जज्बातियत बिल्कुल नहीं चलेगी। अमीर अजी वकार, सुल्तान नूरुद्दीन माशाल्लाह ठीक है। सच शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तुरान शाह को जाना होगा हमारे साथ, इनके मुकदमे का फैसला होना है। क्या? गद्दार नहीं हूं मैं बाबा। चचाजान, मैं गद्दार नहीं हूं, आप जानते हैं मुझे। सुल्तान को यह बात कोई समझाता क्यों नहीं? गद्दार नहीं हूं मैं। हम तुम्हें क्या समझते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सुल्तान जो कुछ भी कहे हमको तो इताहत करनी है। सिपाहियों, तुरान शाह को ले चलिए। तुमने उन लोगों से विक्टोरिया को बचाया क्यों नहीं? जवाब दे। आलीजा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आने वाला पूरा दस्ता मारा गया, ये बात हमें मालूम हो गई, वरना तुम तो ये बात कभी भी ना बताती। हमला किसने किया तुम पर? विक्टोरिया को अपने साथ ले जाने की कोशिश किसने की, बताओ? तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो हमसे। नहीं, कुछ भी नहीं जानती बाकी। सिपाही जमा करो और उन्हें हर तरफ फैला दो, विक्टोरिया को तलाश करें और विक्टोरिया के ताकुब में लगे हर शख्स को कत्ल कर दें। क्या मिला ली? निशानात वाजे नहीं रहे। अस्कलानियों की खिबा बस्ती की तरफ चलते हैं, वो लोग वहीं जाएंगे। कैदियों को अस्कलानियों से पहले सलीबियों के हाथ नहीं लगना चाहिए। इधर उधर पहले सारे सरहदगाजियों को जमा कर लें और सारे रास्तों की नाकाबंदी कर दें, हम उनके पीछे जा रहे हैं। जो हुक्म या अमीर। Thank you.
यहाँ कुछ है, हो सकता है गैब्रियल की लाश हो। कौन हो तुम? उसकी रूह जिसकी लाश ढूंढ रहे हो। गैब्रियल की लाश चाहिए मुझे। मेरे भाई ने इंतकाम की जिस जंग का आगाज किया था, मैं उस जंग को इख्तिताम तक पहुंचाऊंगा। चलते रहो। होशियार, सुल्तान नूरुद्दीन तशरीफ लाते हैं। मैंने तुम्हें मकाम व मर्तबा दिया, तुमने मेरे निजाम ममलिकत में फितने के बीज बोए, तुमने तो हदें पार कर डाली सब। तुमने गुस्ताखी करने की जुर्रत की मेरे बेटे से? क्या तुम्हें मालूम नहीं मेरे बेटे की गुस्ताखी का मतलब है मेरी गुस्ताखी? लापरवाह। सुल्तान, मैंने तो उसे आज से कोई इख्तियार तुम्हारे पास नहीं रहेगा। वो जिन्हें सल्तनत का लालच है, ऐसे ठगों की इस रियासत को जरूरत नहीं कोई। और तुम क्या समझे थे तुम खुद को? हां, जहमत तक लगी गरीबान में झांकने की, तुमने तो अपनी हदें पार कर डाली सारी की सारी मेरे सुल्तान। हाँ।
मैंने तुम्हें इस सल्तनत की हिफाजत के लिए तलवार से नवाजा था और तुमने वो तलवार रख ली फित्ते से भरी नयाम में और फौज में फूट डाल दी तुमने, जो तलवार इस सल्तनत की थी वही सल्तनत पर उठ गई, तुमने जानते बूझते बगावत की। मेरे सुल्तान, फर्द की कोई हैसियत नहीं, सल्तनत की है, हर कोई जो यह समझता है कि यह सल्तनत किसी की तलवार की मोहताज है तो वो सल्तनत जिसके वो मोहताज है अपनी तलवार से उन लोगों के सर काट डालती है। We'll be right back.